हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्वीट डिश लेके आए हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये डिश बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिए, 150 ग्राम भूरा चीनी, आधा कटोरी दूध, थोड़ा सा नारियल, सफ़ेद तिल और आधा कटोरी देसी घी। ये बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध ले लेंगे जो हमने आधा कटोरी ली थी, और भूरा चीनी इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी को इसमें दूध में घोल लेंगे। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी सी चीनी और डाल लें। हमने चीनी को दूध में घोल लिया है। अब हम बाउल में मैदा डाल देंगे। अब इसमें मोइन के लिए मैं घी डाल दूंगी। घी से ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये बिस्किट आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो आप ये बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मोइन को। हमने इतना मोइन डाल दिया है कि ये थोड़ा इकट्ठा हो रहा है। अब हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल बीच बीच में मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और हमने इसमें थोड़ा सा नारियल डाल देंगे। अगर आपको नारियल तिल नहीं पसंद हो तो आप दोनों नहीं डालें। अब हम मैदा का सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। हमने जो दूध में चीनी मिला के रखा था, हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और सॉफ्ट डो लगा लेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा ही डालते जाएंगे, हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही दूध डाल देंगे इसमें। एक साथ डालने पर ज़्यादा गीला हो जाएगा ये। अब मैदा की जगह आटे के भी बना सकते हैं। हमने सॉफ्ट डो लगा लिए। अब हम 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। आप जिस साइज़ के बिस्किट बनाना चाहते हैं आप उतने साइज़ का मिक्सर हाथ में ले लेंगे। मैं कुकी कटर ले रही हूँ। अब इससे कट कर देंगे ताकि डिजाइन में अच्छा बन जाएगा। आप चाहे तो गिलास से कट कर सकते हैं, छोटी कटोरी हो तो उससे कट कर सकते हैं। इससे दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये बिस्किट स्टार की शेप में बन रहा है। हम ऐसे बना बना के रखते जाएंगे। अब दूसरा ऐसे बना लेंगे, हाथ से गोल गोल बना के थोड़ा चपटा करके फिर काट लेंगे इसको। अब वैसे भी मटर के जैसे भी बना सकते हैं गोल गोल। हम ऐसे शेप में कट करके रख लेंगे इनको। एक दूसरी तरीके से भी बिस्किट बना रही हूँ। मटर जैसे बनाते हैं हम वैसे गोल गोल करके रखते जाएंगे इसको। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं हो तो आप ऐसे भी गोल गोल बना लेंगे। आप जैसी भी शेप में बनाना चाहते हैं आप वैसे ही शेप में बना सकते हैं। गोल गोल बनाकर हाथ से थोड़ा चपटा बना देंगे। हमने दोनों तरफ से बिस्किट बनाकर रख लिए हैं। अब बिस्किट फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गर्म हो गया है। हमने ज़्यादा तेल को गर्म नहीं किया है और गैस को हमने लो फ्लेम पे कर दिया है। अब फ्राई करने के लिए बिस्किट इसमें डाल देंगे हम। कम आँच में ही इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएँ और क्रिस्पी भी हो जाएँ। ये गैस को हम लो फ्लेम पर रखेंगे। आप ये बिस्किट कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अब ये थोड़ा सिक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। हमारे बिस्किट थोड़े थोड़े सिक गए हैं, एक तरफ से हम इनको पलट देंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पे कर रखा है ताकि कम गैस में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। अगर गैस को हम तेज रखेंगे तो ये जल्दी से ऊपर से कवर फ्राई हो जाते हैं, अंदर तक नहीं होते हैं ये। सभी को हम पलट देंगे और दो तीन बार पलट पलट के हम अच्छे से ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे।
कलर चेंज हो जाएगा जब तक फ्राई कर लेंगे। हम दो तीन बार ऐसे ही पलट पलट के फ्राई करेंगे इनको। थोड़ी थोड़ी देर में हम पलटते जाएंगे। हमने बिस्कुट को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, इनका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये बिस्कुट दिखने में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। अब हम बचे हुए भी ऐसे फ्राई कर लेंगे, मैंने दूसरी तरह से बनाए थे, इनको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले फ्राई किया था। गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे। हमारे बिस्किट दूसरी तरफ से सिक गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे। इनको भी हम दो तीन बार पलट पलट के अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। हमने दोबारा से भी बिस्किट को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम निकाल लेंगे। आप ऐसे ही सारे बिस्किट बनाकर रख लेंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी से ये बिस्किट ज़रूर बनाकर देखें और आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसे लगे।